और अब बात ब्रज की होली की। देशभर में होली का त्यौहार कुछ दिनों बाद मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में बसंत पंचमी से 40 दिनों तक होली खेलने की परंपरा है। पूरा ब्रज कृष्ण और राधा के रंग में रंगा हुआ है। ब्रज की नंद नगरी में अभी हम मौजूद हैं, नंद चौक ये है। देखिए कितनी संख्या में ग्वालों की यहाँ पर मौजूदगी, छोटे ग्वालों से लेकर बड़े बड़े ग्वाले भी यहाँ पर मौजूद है और हुरियारन भी अब यहाँ पर पहुँचने लगी है। शुरुआत थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की जाएगी और लटमार होली यहाँ पर खेली जाएगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हुरियारनों की मौजूदगी है और अपने हाथों में लट लिए वो खड़ी है, तैयार है पूरी तरह से। कहाँ से आई है? मित्रल है? पलवल के पास। मित्रल पलवल के पास से? मित्रल दो तो लाठियाँ लेकर आई है, बहू की। अच्छा, एक बहू की लाठी है। हाँ, लाठी तैयार है? तैयार है। क्या नाम है? नीनू शर्मा। आप कहाँ से आई? अच्छा, आप भी पलवल से? पहली बार आई है? इससे पहले आई है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, पूरी तैयारी करके आई है। कितना तेल पिलाया है इस लाठी को? बहुत बहुत। सच धज के आप लोग आए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कब से तैयारी शुरू कर दी थी? एक महीने पहले से। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज, अच्छा तेल पिलाया है लाठी? अच्छा अच्छा। घी भी? कितनी लाठियाँ मारेंगे? बहुत सारी लाठियाँ मारेंगे, जो ग्वाला सामने दिखेगा सबको मारेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लाठियाँ मारने की जरूरत क्यों पड़ती है ग्वालों को? ये हमारी परंपरा है। परंपरा है हमारी। परंपरा है आपकी? क्या करते हो ऐसा कि आप लाठियाँ मारते हो? नंद खेलने आते हैं बरसाने से। बरसाने से खेलने आते हैं। ये नंद गाँव है जहाँ पर इन गोपियों की मौजूदगी अभी है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से आए हैं? नंदगांव के। लाठी तो आपकी दमदार लग रही है। खूब तेल पिलाई है लाठी को? अच्छा, कितनी लाठियाँ भांजेंगे आज? कोई पता नहीं। जो सामने आया दे धड़ाधड़ सब पे। मैदान में आ जाए जो ही। कितने सालों से खेल रही है लटमार होली? बल्लन साल है गई। कितने साल? बहुत साल है गई। बहुत साल हो गए हैं। इससे पहले पिछले साल भी आए थे आप? हाँ आए। अच्छा, कोरोना के समय पे भी ऐसा ही आयोजन था क्या? नहीं आए। कोरोना का डर नहीं था तब? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई डर ना। श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है। आए हुए हैं बाल कृष्ण रूप में भी बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए। इतना उत्साह होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान आए हैं और वो उनकी किरणा स्थली खेलने की स्थल है। तो भगवान का बड़ा उत्साह होता है, मन उमंग होता है और एक महीने पहले जो है सारी तैयारियां हो जानी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बाल कृष्ण रूप में भी आप दर्शन करो उधर। तो बच्चे आए हुए हैं बड़े सज धज कर, छोटे छोटे बच्चे। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ग्वाले भी आपको खास तौर पर जो इवन सिक्योरिटी के लिए भी आ रखे हैं अपनी गोपियों के लिए, वहाँ पर भी देखिए एकदम मंत्र मुग्ध होकर जब वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में खड़े हैं और यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, तो देखिए ये श्री कृष्ण की ही माया है कि वो मंत्र मुग्ध यहाँ पर हो जाते हैं। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बड़े ग्वालों से लेकर छोटे ग्वालों की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज के दिन जो है ना, सूरज और चंदा दोनों एक साथ दिखते हैं। तो देखिए आप ऊपर भी देखिए, सूरज भी है और चांद भी है। तो ये दिन आज के दिन होता है ऐसा। चलिए तो ये एक बार मैं अपने वीजे को बोलूंगी कि वो भी जरा दिखाए आसमान की तरफ। संदीप वो जरा दिखाइए आसमान में, एक तरफ चांद आपको नजर आएगा, चंद्रमा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो आपको सूर्य भगवान नजर आएंगे। तो ये भी एक महिमा जो है वो बेहद ही अद्भुत जो है वो नजर आती है। आइए और तस्वीरें भी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं, बड़े ग्वालों से लेकर छोटे ग्वालों की भी मौजूदगी है। छोटा सा बच्चा यहाँ पर, छोटा ग्वाल है। क्या नाम है आपका? हार्दिक। हाँ? हार्दिक। कितने साल के हो आप? 6 साल के। 6 साल का। पहली बार आए हो? दूसरी बार आए हो? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा। अच्छा लग रहा है। आपको पता है ना यहाँ पे लाठियाँ पड़ती है, तैयार हो लाठी खाने के लिए? नाच कर दिखा दो। थोड़ा दिखा दो नाच के। कैसे करोगे? बच्चों तक कितना उत्साह है जब यहाँ पर वो गीत बजते हैं जो श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़े हुए होते हैं, तो कितने उत्साहित नजर आते हैं। लाख साल बीत जाए लेकिन ये पर...
परंपरा जो चली आ रही है कि श्री कृष्ण ने जब राधा जी संग होली मनाई थी, गोपियों संग उन्होंने होली खेली थी, तो वो परंपरा तब से लेकर अब तक चली आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि और हजारों साल ऐसी परंपराएं जो है वो चलती रहेंगी। ये ही एक तरीके से मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य यहाँ पर हो जाता है जब आप ग्वालों को देखते हैं, जब आप गोपियों को देखते हैं कि लठमार होली में उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी लोगों में कितना उत्साह भर देती है। विजय संदीप।